हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइस यूज यूट्यूब चैनल। दिस इज स्कॉलरशिप एग्जाम स्टैंडर्ड फिफ्थ ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड द टॉपिक इज सिंपल इंटरेस्ट। ओके, फॉर द इंटरेस्ट देर आर द टू टाइप्स, वन इज द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड दिस इज अ सिंपल इंटरेस्ट। आउट ऑफ दिस वन, दिस इज अ बेसिक विच इज अ सिंपल इंटरेस्ट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट। सो आफ्टर द स्टैंडर्ड सेवंथ एंड द स्टैंडर्ड एट्थ यू विल गेट अ कंपाउंड इंटरेस्ट, बट बिफोर दैट वन नाउ इन क्लास फाइव एंड क्लास सिक्स देर इज अ सिंपल इंटरेस्ट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूर जनरल, वी कैन से इन डे टू डे लाइफ ऑल्सो। ओके, सो सिंपल इंटरेस्ट, सो वॉट एग्जैक्टली द इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट इज दैट वन, सपोज आपने अगर किसी से कुछ उधारी लिया, उधार मतलब उधार के तौर पर सब कुछ पैसे ले लिया। ओके, या तो आपने किसी को दे दिया, समझ लीजिए आपने किसी से ले लिया 1000 रुपीज, समझ लीजिए वो एग्जाम्पल। ओके, आपने वो वन मंथ या तो 15 डेज कुछ भी आपने वो यूज़ किया और उसके बाद उसको लौटा दिया, उसके मतलब बोरो किया था। ओके, आपने उसको लौटा दिया, अभी उसके बीच में उस सामने वाले में जिसने आपको दिया था उसको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ तो रिटर्न्स तो होना चाहिए। ओके, तो उसको क्या कहते थे, वो है इंटरेस्ट। आप उसको, आपने 1000 रुपीज यूज़ किए उसके होते ना, आपने उसको वापस कर दिए तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर 1000 के ऊपर कुछ ना कुछ और एग्जैक्टली कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ द रुपीज़ आप उसको रिटर्न दे देंगे। आप इसे कहेंगे कि ये ऊपर के 1000 और ये ऊपर समथिंग अमाउंट आप रखें, क्योंकि आपके 1000 रुपीज़ मैंने यूज़ किए फॉर समथिंग 15 डेज और वन मंथ और वट एवर दैट पीरियड। ओके, तो वो जो आप उसको एक्स्ट्रा दे देते हैं बिकॉज ऑफ दिस यूजिंग ऑफ दैट पर्टिकुलरली अमाउंट, बेसिक अमाउंट। ओके, तो उसे कहते हैं हम इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या है, तो बोरोइंग जो लोन, लोन मतलब आपने उसको उधारी तौर पे लिया तो समथिंग, ओके, उसे हम लोन ही कहते हैं। तो लोन फ्रॉम द बैंक, या फिर तो आपने बैंक से खरीदा तो या तो समथिंग, पहले के ज़माने में पर्सन थे, अभी बैंक से। ओके, तो हम बैंक के लिए कंसिडर करेंगे। सो आफ्टर बोरोइंग द लोन फ्रॉम द बैंक वी हैव टू पे एडिशनल अमाउंट रैदर दैन बोरोइंग अमाउंट। रैदर दैन मीन्स अपार्ट फ्रॉम दैट वन। ओके, नॉट ओनली द अमाउंट, ओके, वट एवर वी हैव बोरोइंग अमाउंट, दिस इज द बेसिक अमाउंट वी कैन से। ओके, और वी कैन से नाउ इन अनदर टर्म्स दैट इज अ प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, नाउ दिस अमाउंट इज ऑलरेडी वी हैव टू रिटर्न बैक। ओके, बट फॉर दिस वन वट इज द प्रॉफिट ऑफ दिस बैंक, वी आर यूजिंग द बैंक्स मनी। ओके, बट फॉर दैट वन बैंक हैज़ टू चार्ज, और वी कैन से बैंक हैज़ टू आस्क अस सम एडिशनल अमाउंट बिकॉज वी आर यूजिंग इट्स मनी एंड वी आर गिविंग रिटर्न बैक। ओके, सो एन एडिशनल अमाउंट गिवन बाय बैंक अगेंस्ट अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक इज सर्टन ड्यूरेशन। ओके, फॉर सर्टन ड्यूरेशन मतलब कुछ पीरियड के बाद, अगर एक महीने के बाद या तो हम कहेंगे एक साल के बाद। ओके, तो हम पीरियडिकली उसे कहेंगे कि कुछ ना कुछ अमाउंट हमें पे करना पड़ता है, तो उसे कहते हैं इंटरेस्ट। तो ये जो एडिशनल अमाउंट रहती है वो कॉल्ड एज अ सिंपल इंटरेस्ट। ओके, वेरी सिंपल है। तो उसके पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट्स। ओके, तो प्रिंसिपल अमाउंट द मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक और द मनी लेंड, लेंड मतलब क्या है, आपने बैंक से लोन के तौर पे लिया। ओके, बाय अ बैंक टू अ बोरोअर, बोरो मतलब जिसने टेकआउट किया, ओके, बोरो किया, इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, या तो हम बेसिक अमाउंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कंसिडर करना है प्रिंसिपल अमाउंट, और प्रिंसिपल अमाउंट इज शोइंग एज अ पी, कैपिटल पी। ओके, इन अवर दिस टॉपिक। ओके, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट पर एनम। नाउ परसेंट हमने लास्ट टॉपिक में दिखा परसेंटेज, नाउ हियर परसेंट मतलब हर 100 के पीछे। ओके, हर 100 में, पर एनम मतलब उसमें, पर एनम, एनम मतलब क्या, पर ईयर मतलब क्या, तो पर 12 मंथ हम इस ऐसे भी कह सकते हैं, या तो पर ईयर भी कह सकते हैं। एनम का मतलब होता है ईयर। ओके, ईयर, पर ईयर हमेशा याद रखिए, इज रिटर्न एज परसेंट पर एनम मतलब PCPA, इस शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। ओके, दिस पी ईयर पी सेंट PCPA लाइक दिस PCPA PCPA। ओके, ऑलवेज बी रिमेंबर दिस वन एंड दिस वन, दिस रेट इज ऑलवेज बी इन टर्म्स ऑफ द ईयर, ऑलवेज बी इन टर्म्स ऑफ द ईयर। ओके, परसेंटेज गिव्स द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू ऑन एवरी 100 रुपीज, एवरी 100 रुपीज ऑलरेडी वेस इन परसेंट। ओके, फॉर अ पीरियड ऑफ वन ईयर, फॉर वन ईयर परसेंट मतलब एवरी 100, फॉर एवरी 100 रुपीज
पर एनम, पर एनम मतलब वन ईयर, ओके। हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई एग्जांपल आपको कुछ मंथ्स में दिया होगा तो आपको मंथ्स का कन्वर्जन आपको ईयर में करना पड़ेगा, मंथ्स का कन्वर्जन आपको ईयर में करना है। अभी कैसे देखेंगे, अगर समझ लीजिए आपको एट मंथ्स का है, एट मंथ्स के लिए कुछ एग्जांपल आ गया, एग्जांपल्स के लिए बता रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, ईयर के लिए उसे कन्वर्ट करना है। तो ईयर के लिए कितना है, हमें पता है कि 12 मंथ्स का एक ईयर होता है, तो डिवाइडेड बाय 12 मंथ, ओके। सो दिस गेट कैंसल, मीन्स नाउ इट विल कम्स इन ईयर, सो दिस विल 8 बाय 12 मतलब क्या हो जाता है, ये 4, सो 4 टू जा एंड 4 थ्री जा, मीन्स दिस इज अ 2 बाय 3, ओके। सो दिस इज लाइक दिस वन, सो 2 बाय 3 कैन से 0.67, ओके। आफ्टर दिस डिविजन इफ यू कैरी आउट दिस वन यू विल गेट दिस वन, और सम टाइम देर इज अ 3 मंथ्स, सो 3 मंथ्स हैज टू कन्वर्ट इन वन ईयर, सॉरी इन ईयर, सो 3 मंथ्स मीन 3 बाय 12, सो दैट इज अ 3 मंथ्स एंड 4 इज 12, सो दिस इज अ 1 बाय 4, मीन्स दिस इज अ क्वार्टर, और इन अनदर वन डेसिमल 0.25, सो यू कैन टेक आइदर दिस फॉर मल्टीप्लीकेशन 1 बाय 4, और यू कैन टेक दिस 0.25 फॉर मल्टीप्लीकेशन, बट डोंट डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय विथ अ 3, ओके, और 3 बाय 12 ऑल्सो यू कैन टेक इट, ओके। मीन्स द मेन पर्पज इज दैट वी हैव टू कन्वर्ट दैट इन ईयर, ओके। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ऑलवेज बी रिमेंबर दिस वन। नाउ पीरियड, पीरियड मीन्स दैट इज अ टाइम फ्रेम वी कैन से, ओके, ड्यूरेशंस ऑफ विच principal amount is to be used is called period, okay. The duration means this is in terms of the time, okay. For the time means this particularly this 1 year, okay. Now this is a rate per year, but how much the time, that is a period, and this is always be in year, already I said. Now this is a percentage, something percentage in a rate, okay, and this is a in year. So while multiplication this has to be understand, okay, always be take it in year. Now, simple interest already we have learned. Now, so there is a one formula to calculate this simple interest. So, simple interest is equals to principal amount multiplied by this rate. Means this rate, this is always be in percentage, okay? Multiply by this period. Period is always be in year. This is always be in percentage and this is a amount, okay? Or we can say rupees or dollar something, any currency. But that is a currency, money. And divided by this 100. This 100 is a number, okay? So this is very very important, okay. Now here to write down or to remember this one, principal means P here showing. Now this interest, simple interest, so interest start from I, so that's why we can say simple interest I, somewhere it's shown like a SI in short form. S means simple and I means for the interest, so SI also written. P for the principal amount, okay, R for the rate, and then P for the period, but here it's shown like a N, means number of year, okay, that is showing, divided by 100. So now this is a formula after replacing with the these denotions, okay. So I is equals to PRN by 100, so this always be remember, so this is very important, okay. Now on this basis we have to solve all the examples. Now question number one is there, at a rate of 10 PCPA, PCPA means percent per annum, already we know, so this is a 10 percentage, okay, means this is the rate. Now what would be the interest for 1 year, for 1 year means N is equals to 1 and here R is equals to 10, okay, on rupees 2000, means this is a P. Now as per our formula means this is a PRN by 100, so I is equals to PRN. Now this is a multiplication, but I will not always write down the multiplication sign, by divided by 100. Now where to calculate the interest, okay, what would be the interest, so means simple interest where to calculate. So P is a 2000, so is equals to 2000, okay, multiply by R is a rate, means this is a 10 percentage, only 10 we will take it, multiply by N is a 1, means 1 year, now divided by 100, so this 20 get cancelled, this 20 get cancelled, now 20 multiply by 10 means this is a 200, so this is a interest rate, or we can say this is a rupees per year, this is one for one period, okay, 1 year period we are calculating, so 200 means this is option number
2 is the correct one. Now question number 2, principal is a 400, period is a 5, this is in year, okay. By default, if there is only mentioning 5 or something, then take it directly in year. Then rate. Now this rate is PCPA mentioned, this is a 6%, okay. Then find the simple interest. So now same formula we have to use, okay. So now principal here is a 400, so 400 multiplied by this R is here, is here 6%, okay, 6 PCPA multiplied by this period means 5 years, okay, for this 5 years, then divided by 100. So this 20 get cancelled, this 20 get cancelled, so 4 multiplied by 6 multiplied by 5, so that is equals to the 120. So 120 is a simple interest for this one, okay. So 120 means option number 3 is the correct one. Now question number 3, principal 15,000, period 4 year, rate 8 PCPA, then find the simple interest. Same formula we have to use. So now here P means principal is a 15,000, so 15,000 multiplied by rate is here 8 PCPA and period is 4, so multiply by rate is a 8 multiplied by period is a 4, so divided by this 100, so this 20 get cancelled, which means 150 multiplied by 8 multiplied by 4, and after this multiplication you will get 4,800 rupees. So this is a interest, or we can say simple interest, and this is given in 4,800, option number 4. Now question number 4, Omkar take rupees 2,500 at the rate of 10 PCPA for 6 years, find the simple interest. So this is a N given, this is a R given, and this is a P given. So as per this one, so P, R and N by 100, okay. Now P is a 2,500, okay, multiply by rate means this 6 and 10 is a rate and 6 is a N, okay. So 10 multiplied by 6 is a N divided by 100, so these 20 get cancelled, these 20 get cancelled, so 25 multiplied by 10 multiplied by 6, so after this multiplication you will get 1500, or we can say 1500, and this is given in option number 1. Then question number 5, principal amount is there rupees 650, means 650 rupees, this is a P, okay. Then rate 10 means R is a 10 PCPA, then period means N is equals to 5, then what is the simple interest? So same, so this is a 650 multiplied by this 10 and period is a 5, so divided by 100, so this 0, this 0 get cancelled, this 0 get cancelled, means 65 multiplied by this 5, so this is a 325, so this is a simple interest, so this 325 means option number 3 is the correct one. Now question number 6, principal 4000 means P is equals to 4000, this is the amount, okay. Period means N is equals to 5 year, simple interest is a 600, then what is the rate? Now this is very important. Up to now this is a SI, we can say. Now this formula is there. Now as per this question, here the simple interest means SI, or we can say I is given 600. Now here what is the rate, means R we have to find out, okay. Now 4000 is a principal amount, okay, 4000, I will replace this one, so 4000 is a principal amount multiply by R, we don't know, multiply by n is a 5, so here n is a 5 divided by this 100, and the simple interest also given, simple interest is this 600, okay, so this is equals to 600. Now this R is unknown, this we have to find out, so this is equal, okay. So now 20 get cancelled, 20 get cancelled, so 440 multiplied by this 5, so this is a 200 and multiply by this R, and here the 600 as it is. Now 200 here in multiplication, so this side comes with a division, or we can say both the side we will divided by 200, okay. So this get cancelled, this get cancelled, now this is a 2 ones and 2 threes, so R is equals to 3, means this is a percentage, PCPA, so R is a
3 PCPA. Okay, 3 means option number 2 is a correct. Now question number 7, R is equal to 5040 is a simple interest. So this is a I, or we can say SI, of same principal at the rate 12 PCPA for the period 3 years. Find the amount of principals. Okay, now here period means N is given, rate means R is given, but principal means P we have to find out. Now as we know the formula, so in this one I is equals to P R N, okay, by 100. Now interest is given 5040, then P we have to find out, then R is given, R here 12 and N is 3 given, so R is 12 multiplied by 3 divided by 100. So now this is 5400, so 5400, so is equals to, this is a 36, okay, so P multiplied by 36 divided by 100. Okay, now this is in multiplication, so it will comes in a reverse directions, but the multiplication, so this is 5040 multiplied by, now this will here divisor in division, so we will make a multiplication but with a vice versa. Okay, so denominator and numerator we will change, so this is equals to P. Okay, this is comes here in a division, and after the division we are making the inverse, so it will make a multiplication. Okay, so after this one we will if we solve out, so we are getting the P is equals to 14,000. Okay, so please solve this one, this is multiplication and the divisions. Okay, so this P is a 14,000 and this is given in option number 4. Thank you.